स्टार प्लस के सुपरहिट शो कसौटी जिंदगी के 2 में अनुराग बासु के रूप में अपनी परफॉर्मेंस से एक्टर पार्थ समथान हम सभी पर अपना जादू चला रहे हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने पहली बार आमना शरीफ को उनके पहले शो के दौरान कहीं तो होगा में देखा था, तभी से उन पर फिदा हो गए थे, या कहें तभी से पार्थ का दिल आमना के लिए धड़कना शुरू हो गया था। अगर आगे बात करें हिना खान और करण सिंह ग्रोवर के बाहर जाने के बाद, जब से आमना कमोलिका के नए अवतार में शो से जुड़ी हैं, उनके नए लुक और अवतार के बारे में कई बातें हो रही हैं, और उनके इस नए लुक और अवतार के बारे में जितनी बातें की जाए उतने ही कम होंगी। आगे आपको बताते हैं कि पार्थ अपने दोस्तों के शो छोड़कर जाने से काफी अपसेट भी थे, लेकिन इसी के साथ साथ पार्थ इस बात से भी खुश हैं कि आमना शरीफ इस शो का हिस्सा बन चुकी हैं। जी हाँ, आमना की तारीफ में पार्थ कहते हैं, आमना बेहद ही प्यारी हैं। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा कि जब मैं छोटा तो उन पर मरता था, और वह हंसने लगी। मैं उनका शो कहीं तो होगा देखा करता था, वह आज भी वैसे ही दिखती है जैसे उस टाइम पे दिखा करती थी, और बेहद ही पॉजिटिव इंसान है। शो में उनका आना एक अच्छा सरप्राइज रहा। उन्होंने अपनी को-स्टार एरिका फर्नांडिस के साथ की अफवाहों के बारे में भी बात की और बताया कि उन्हें ऐसे चर्चाओं से फर्क नहीं पड़ता। पार्थ के हिसाब से हम अच्छे दोस्त हैं और आज भी हमारे बीच अच्छी दोस्ती है। तो देखा आपने किस तरह से आमना के शो में री एंट्री के बाद पार्थ का कहना है कि वो एरिका के साथ किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं थे, एरिका सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त है। वैली लव ट्रायंगल कितना कंफ्यूज करने वाला है, इससे आप सभी को अंदाजा तो लग गया होगा। वेल, आपका क्या कहना है पार्थ के इस रिएक्शन पर, पार्थ के स्टेटमेंट पर, प्लीज कमेंट सेशन में लिखकर जरूर बताइए। आगे आपको बताते हैं कि पार्थ ने क्या कहा। पार्थ का कहना है, हम को स्टार्स हैं, हम एक सीरियल में काम करते हैं, साथ में हैंग आउट करते हैं, चिल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में कुछ है या हम रिलेशनशिप में हैं। हम सिर्फ को स्टार्स हैं और अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ नहीं है। और जहाँ पहले इन दोनों के रिलेशन, इन दोनों के अफेयर्स की चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर बी टाउन तक आम थी, तो वही अब पार्थ जी का कहना है कि मैं एरिका के साथ किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं हूं और मैं उनको सिर्फ अच्छा दोस्त मानता हूं। क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट सेशन में लिखकर बताइए। नेक्स्ट 9 लाइव डेस्क के लिए इंदु की रिपोर्ट।